देखिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये दिया हुआ है गाइस पूरा व्हाट्सएप के ऊपर। क्योंकि देखो, आप डेली लाइफ में, आप सभी को पता, व्हाट्सएप आप सभी लोग यूज़ करते हो, मतलब सभी लोग यहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से इसमें जो नया रूल है किस तरीके से वो अप्लाई होगा, और क्या इसमें गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं फिर अपन लोग, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उसको हाईलाइट करके बताते जाऊंगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको जो वोकैबलरी और ग्रामर है वो मैं आपको यहाँ पर बताते जाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग यहाँ पे देखते रहें और मुझे बताते रहें। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या बोला, एंडिंग एनक्रिप्शन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड ये हुआ है, एनक्रिप्शन का मतलब क्या है। तो गाइस देखो, अगर जो आप गुप्त रूप में जो किसी से बातचीत होती है, कोई भी ऐसा काम जो गुप्त रूप से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एनक्रिप्शन। और व्हाट्सएप में आप इसे किस नाम से जानते हो, इसे आप जानते हो प्राइवेसी। आ रही बात समझ में? मतलब आप जब व्हाट्सएप ओपन करते होगे, तो व्हाट्सएप जो स्टार्ट करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो गाइज आपको पता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है? तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, तो उसमें मतलब कहने का ये हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सुन पाएगा, ठीक है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं सुन पाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं देख पाएगा आपके चैट को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब इसको सेंडर और रिसीवर ये दोनों ही इसको देख सकते हैं, जो मैसेजेस आप करते हो, जो भी चैट आप लोगों के बीच में होती है वो एंड टू एंड होती है, मतलब तीसरा व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। बट अभी करंट में क्या हो रहा, एंडिंग एनक्रिप्शन। तो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी लेकर आई उसमें ये है कि भाई आपको बताना पड़ेगा, मतलब आपकी जो प्राइवेसी है वो अभी गवर्नमेंट के पास रहेगी, कि अगर रिक्वायरमेंट हुई, ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा, ज़रूरत पड़ी तो ये होगा कि गवर्नमेंट आप वो डिटेल व्हाट्सएप से मांग सकती है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइवेसी को खतरा है ये बोलकर व्हाट्सएप जो है कहाँ पहुँच गया, हाई कोर्ट पहुँच गया। तो पूरा का पूरा टॉपिक आज का है इसी चीज़ पर, है इसी चीज़ पर बेस्ड है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, करंट अफेयर्स भी आपका इससे होता जाएगा स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी आपको। अनुज पटेल, गुड मॉर्निंग। तो चलिए देखिए, एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप विल एनक्रोच इनटू यूज़र प्राइवेसी। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमने क्या बोला कि एनफोर्सिंग मतलब होता है गाइस किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनफोर्स मतलब ये जो नया रूल है उसको लागू करने की बात यहाँ पे हो रही है, एनफोर्स मतलब लागू करना, एनफोर्सिंग। उसके बाद है ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी मतलब ट्रेस करना है किसी को, जैसे आपने किसी ने मैसेज किया तो उसको ट्रेस करना गवर्नमेंट को, तो ये ट्रेस कर सकते हैं कि भाई किसने वो मैसेज फर्स्टली सेंड किया हुआ था, मतलब सबसे पहले कहाँ से उस मैसेज वो मैसेज निकला हुआ था, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप, जो पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, विल एनक्रोच इनटू यूज़र प्राइवेसी। अब इससे क्या होगा कि जो एनक्रोच जो वर्ड है, इससे ये पता चल रहा है कि जो यूज़र की जो प्राइवेसी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उसको एनक्रोच करेगा ये, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बैरली अ डे बिफोर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसकी बात यहाँ पे हुई है, तो बैरली अ डे बिफोर, मुश्किल से ही एक दिन पहले, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। तो बैरली मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, तो आपको पता होना चाहिए, वोकैबुलरी भी मैं आप लिखते जा रहा हूँ। बैरली मतलब रेयरली भी कह सकते हो, या फिर मुश्किल से, कोई भी काम अगर मुश्किल से है तो हम उसे बोलेंगे बैरली। तो एक दिन पहले की ही ये बात है। तो जो गाइडलाइंस है, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो है गवर्नमेंट की, उसके ऊपर है पूरा पैसेज। आगे देखते हैं, रूल 2021 कैम इनटू फोर्स। तो जो नियम बना है 2021 में, ये क्या है, कैम इनटू फोर्स, मतलब ये हुआ कि ये यूज़ में आ गया है, ठीक है। अब जितने भी जो मैसेजिंग ऐप हैं, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, जो नया नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, व्हाट्सएप मूव्ड द दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द रूल। और इसमें क्या हुआ कि जो व्हाट्सएप है, पूरा सेंटेंस भी आप लोग यहाँ से ध्यान से देखते चलिए कि बोला क्या है इसने, व्हाट्सएप मूव्ड टू द दिल्ली हाई कोर्ट अगेंस्ट द रूल। मतलब ये जो सेंटेंस आपने बनाया है, इसमें टेंस कौन से यूज़ किया है, पास्ट सिंपल, कि जैसे ही ये जो रूल है एनफोर्स हुआ, लागू हुआ, तो इसके अगेंस्ट में व्हाट्सएप जो है कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पेसिफिकली द वन दैट मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, ठीक है। तो ये वोकेबलरी भी मैं आप लिखते जा रहा हूँ, जो वोकेबलरी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि मैंडेट क्या होता है। मैंडेट मतलब होता है जनादेश, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे जिसको पब्लिक सपोर्ट करे वही मैंडेट है। आगे देखते हैं, दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग शैल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स एज मे बी रिक्वायर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये है दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी प्रोवाइडिंग सर्विसेज प्राइमरली इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग शैल इनेबल आइडेंटिफिकेशन। तो इस रूल से क्या होगा कि जो भी बंदा मैसेज पहले भेजेगा उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान रिवील हो जाएगी। फर्स्ट ऑरिजिनेटर मतलब जो पहले इस मैसेज को भेजेगा, कहाँ से इसका ऑरिजिन हुआ मैसेज का, ये पता चलेगा। ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्सेज एज मे बी रिक्वायर्ड बाय जुडिशियल ऑर्डर। मतलब अगर सरकार ऑर्डर देती है, जुडिशरी हमारी जो ऑर्डर देती है, तो मतलब ये होगी व्हाट्सएप को उसकी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि किस व्यक्ति ने मैसेज सबसे पहले भेजा था। आगे देखते हैं, गिवन द स्पेसिफिकेशन दैट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इज वन विच मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स। मतलब कितने, 50 लाख जो है रजिस्टर्ड यूजर हैं अभी व्हाट्सएप के यहाँ पर, हद ज़्यादा ही होंगे हालांकि। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी डिफेक्टेड। तो इससे क्या होगा, इसने ये भी बोला व्हाट्सएप ने कि भाई इससे हमारी जो सर्विसेज हैं वो इससे अफेक्टेड होंगी, इस पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये जो पॉलिसी आएगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है यूज़र्स कम हो जाएं व्हाट्सएप के, ऐसा भी हो सकता है प्राइवेसी की वजह से। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप कंटेंशन। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ एक वर्ड आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या है, कंटेंशन। अब ये जो वर्ड कंटेंशन, इसका मतलब होता है गाइस कोई भी लॉजिक या फिर हम कहें तो तर्क देना, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार का लॉजिक देते हो, तर्क देते हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कंटेंशन, ठीक। एक सेकंड, मैं उसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। कंटेंशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है लॉजिक कह सकते हो, या फिर यहाँ पर तर्क भी कह सकते हो कि व्हाट्सएप का लॉजिक यहाँ पर क्या है। लॉजिक यही है कि भाई लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी इससे, ठीक। कंटेंशन इज दैट द कंप्लाइंस। अब यहाँ पे एक वर्ड और आपको देखने को मिल रहा है, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस का मतलब होता है किसी भी रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करना, ठीक है, किसी चीज़ का पालन करना। तो 5 नंबर में आप लिख देता हूँ कंप्लाइंस। ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग अभी SBI का पेपर देने वाले हैं उनको जरूर देखने को मिलेगा। कंप्लाइंस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का पालन करना एक तरीके से। ये यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। एंड ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी आपको मैंने बता ही चुका हूँ, मतलब पहुँच किसी चीज़ तक, उसको ट्रेस कर लेना, ठीक है। इट वुड हैव टू ब्रेक इट्स एंड टू एंड इनक्रिप्शन सर्विस दैट अलाउज मैसेजेस टू बी रीड ओनली। मतलब क्या है, व्हाट्सएप ये बोलकर हाई कोर्ट पहुंचा है कि भाई अगर इसको लागू करते हैं तो जो हमारी पॉलिसी है एंड टू एंड इनक्रिप्शन की, वो हमारी पॉलिसी ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब जिस चीज़ को लेकर आप मार्केट में आए हो और आपका उसी चीज़ पर प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब सेंडर और रिसीवर के अलावा तीसरा व्यक्ति आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकता, नहीं देख सकता। तो इस रूल के आने से क्या होगा, अगर हम उसको फोर्स में लाते हैं तो तीसरा व्यक्ति भी इस चीज़ को देख सकता है। श्रद्धा पटेल, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मैसेज टू बी रीड ओनली, इनक्रिप्शन सर्विस दैट अलाउज मैसेज टू बी रीड ओनली बाय सेंडर एंड रिसीवर। मतलब सेंडर और रिसीवर इसको पढ़ सकता था अभी तक। आगे देखते हैं, इट्स आर्गुमेंट इज दैट द इनक्रिप्शन फीचर अलाउज फॉर privacy protection and breaking it would mean a violation of privacy. तो यहाँ पर WhatsApp ने क्या कहा, WhatsApp ने ये कहा its argument, तो मतलब its मतलब क्या हुआ WhatsApp, it जो use हुआ है यहाँ पर, आपने जो pronoun use किया है it, एक इसके लिए use हुआ WhatsApp, why so, क्योंकि WhatsApp यहाँ पर एक body है, एक company है, तो person तो है नहीं जो he she use करूँगा मैं, it use किया मैंने। argument is, तो आपका जो sentence है ये दिया हुआ है किसमें, present tense में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यहाँ पे इज दैट द इनक्रिप्शन फीचर अलाउज। तो देखो आप यहाँ पता चल रहा है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया, क्योंकि अलाउज है, ठीक है, फॉर
प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड ब्रेकिंग इट वुड मीन अ वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी। मतलब ये होगा, व्हाट्सएप ने ये कहा कि भाई इससे ये होगा कि हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, गोपनीयता की जो हमारी एक सिद्धांत बने हुए हैं, हमारे पॉलिसी बनी हुई है, वो वायोलेशन होगा उसका, ठीक है, उसका उल्लंघन होगा। कहने का वायोलेशन मतलब क्या होता है, उल्लंघन होना, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज वीदर द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस बाय ब्रेकिंग इनक्रिप्शन आर वीटल टू लॉ एनफोर्समेंट इन केस ऑफ हार्मफुल कंटेंट। अब यहाँ से देखो, द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज वीदर, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, तो वीदर आगे देखते हैं, द ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस आर वीटल टू लॉ, मतलब जो ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइंस हैं वो कैसी हैं, वीटल हैं, लॉ एनफोर्समेंट मतलब एक तरीके से ऐसा है कि जो लॉ एनफोर्समेंट है उससे ये होगी, जो गाइडलाइंस हैं व्हाट्सएप की गाइडलाइंस हैं या फिर कहें तो एक एनफोर्समेंट करने की जो गाइडलाइंस हैं, इसकी ट्रेसेबिलिटी की जो गाइडलाइन, ट्रेस करना मतलब एक व्यक्ति ने अगर कोई भी काम किया है तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर सकती है, तो इससे क्या होगा, जो लॉ है उसको वायलेंस होगा, और ये जो नियम है ये इससे यही हो रहा, जो नया रूल अभी लागू हुआ ना वो यही गवर्नमेंट को पावर दे रहा है कि आप चाहो तो भाई किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, बट व्हाट्सएप इसका विरोध कर रहा है, ठीक है, भाई इसका एनफोर्समेंट अगर आप करोगे तो दिक्कत होगी, है ना। लेकिन रूल का भी कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट का भी कहने का मतलब ये है कि हम ये इस वजह से कर रहे हैं कि कई बार हार्मफुल कंटेंट शेयर किए जाते हैं और पुलिस ढूंढती रहती है, बट उनको पता नहीं चलता कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो लेकिन अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई भी मैसेज फॉरवर्ड होता है तो गवर्नमेंट का कुल मिलाकर बात है सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल हो जाएगा, जब चाहे वो जब किसी का भी व्हाट्सएप का डेटा निकाल सकते हैं, और इसी चीज़ का विरोध व्हाट्सएप कर रहा है। तो आगे देखते हैं, अ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज सेड दैट, मतलब क्या है, तो अ रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ, तो किसके द्वारा कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज, मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की और आईटी की, हैज सेड दैट द ट्रेसेबिलिटी मेजर विल बी यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट। तो जो ट्रेसेबिलिटी के जो मेजर्स हैं, ट्रेसेबिलिटी मेजर्स मतलब क्या है, अगर किसी की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट मांगती है तो वो कुछ नियम कानून के दायरे में रहकर मांगेगी, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला कि भी हमें इसकी डिटेल चाहिए तो दे दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये कहा है, यूज्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एज द लास्ट रिसोर्ट एंड बिल कम बाय ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब अगर व्हाट्सएप इसका विरोध कर रहा है तो गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है उसका भी कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि हम सबकी डिटेल यहाँ पर मांगेंगे आपसे, बट ऐसा नहीं है, इसको नियम और कानून के अंतर्गत जहाँ ज़रूरी होगा कुछ विशेष सिचुएशन में ही, कुछ विशेष अवस्था में ही आपसे पर्सनल डिटेल किसी की मांगी जाएगी। तो ये इसके कहने का मतलब है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। आगे देखते हैं, सच एज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन डिटेंशन, मतलब क्या है, तो यहाँ पर बात ये हो रही कि इन्होंने बोला कि प्रिवेंशन रोकना, प्रिवेंशन मतलब क्या होता है गाइस, रोकना, डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करना, खोज करना, ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक ये 6 नंबर का वोकैब है। तो प्रिवेंशन मतलब होता है रोकना, उसके बाद में डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है खोजना, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जाँच करना किसी भी चीज़ की, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोसिक्यूशन, अब अगर मैं बात करूँ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन वो होता है जो इन सभी चीज़ों के ऑब्जर्वेशन करता है, तो ऑब्जर्वेशन करने वाला व्यक्ति जो है प्रोसिक्यूशन होता है। और पनिशमेंट, तो पनिशमेंट तो आप लोग जानते हो, किसी को सज़ा देना, ऑफ एन ऑफेंस रिलेटेड टू सोवेरनिटी, अब यहाँ पे आप एक बार देख रहे हो सोवेरनिटी इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस देखो ये जो सोवेरनिटी मतलब ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक तरीके से हम किसी चीज़ के एक संप्रभुता की बात करें, है ना, या फिर इसको कह सकते हो आप लेजिमेट, लेजिमेट समझते हो, लेजिमेट मतलब होता है कानूनी तरीके से, क्या होता है कानूनी तरीके से, तो ये जो वर्ड है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, तो जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, तो सोवरेनिटी इसका मतलब क्या होता है, इसको आप सिनोनिम लिख सकते हो आप इसका, लेजिमेट, ठीक है, लेजिमेट, या फिर कहें तो हम इसे कह सकते हैं लीगल, या फिर कहें तो कानूनी, जिसके पास कुल मिला के पावर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संप्रभु, जिसके पास पावर है। तो अपने यहाँ पर कौन है सोवरेनिटी, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, उसके बाद में हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट हमारा, तो वो भी एक तरीके से लेजिमेट है। सुभाष चौहान, गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो ये क्या है, लेजिमेट मतलब संप्रभुता, ये होता है,
संप्रभुता, ठीक है, तो ये बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ की अभिन्नता, जो चीज़ बिल्कुल अलग ना हो सके, तो वो होता है इंटीग्रिटी, ठीक है। ऑफ इंडिया फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें क्या बोला कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है तो उसके, और वो कैसा रहेगा, एक तरीके से पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट रहेगा, तो इसमें पनिशमेंट जो मिलेगी उसमें जेल भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, द असर्शन सजेस्ट। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे जो असर्शन वर्ड दिया हुआ है इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट करते चल रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये बर्ड बात आपको हमने बताया था, प्रोसिक्यूशन बताया था, डिटेक्शन बताया था, इन्वेस्टिगेशन आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब होता है गाइज यहाँ पे कि एक तरीके से किसी भी चीज़ को हम डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? असर्शन। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 8th नंबर की बुकैब है आपकी, मतलब डिक्लेरेशन, क्या कह सकते हो आप इसे? डिक्लेरेशन। तो कोई भी जो डिक्लेरेशन है उसको बोलेंगे असर्शन, या फिर इसको हिंदी में बोला जाए एक तरीके से देखा जाए तो किसी ने कोई भी स्टेटमेंट दिया है, कोई कथन कह सकते हो आप, तो डिक्लेरेशन, तो वो होता है असर्शन। सजेस्ट दैट दिस रिक्वायरमेंट इज इन लाइन विद द पुट्टास्वामी जजमेंट दैट क्लैरिफाइड दैट एनी रिस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी। मतलब क्या है? तो इसने क्या, व्हाट्सएप ने कुछ क्यूट भी किया है, कुछ चीज़ों का हवाला भी दिया है, जैसे पुट्टा स्वामी का जो जजमेंट था उसने क्लेरिफाई किया था, एनी रिस्ट्रिक्शंस टू द राइट ऑफ प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी। तो मतलब क्या हुआ इसमें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है राइट ऑफ प्राइवेसी का है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा भी इन्होंने बोला। चलो ठीक है, मतलब भाई सीधी सी बात है, आपको प्राइवेसी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस प्राइवेसी का आप कुछ भी यूज़ करो। मतलब कुल मिला के दोनों ने अपना अपना पॉइंट यहाँ पर रखा। व्हाट्सएप कह रहा गलत है, गवर्नमेंट कह रही नहीं, हमारे कभी डिटेल नहीं मांगेंगे, बट जब रिक्वायरमेंट होगी तो देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली बात ये हो रही है कि व्हाट्सएप को आपकी डिटेल तो रखनी पड़ेगी। अभी क्या है, व्हाट्सएप डिटेल नहीं भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब होता समानुपातिक, ठीक है, एंड इंक्लूड सेफ गार्ड अगेंस्ट अब्यूज़। तो एक तरीके से इससे क्या होगा, अगर डिटेल रखी जाएगी तो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उससे बचा जा सकता है। तो ये ऐसा कहने का मतलब है गवर्नमेंट का भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बट द गवर्नमेंट एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, बट द गवर्नमेंट एज लॉ स्टैंड्स नाउ कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस टू एनक्रिप्टेड डेटा अंडर सेक्शन 69(3)। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट एज लॉ स्टैंड्स नाउ कैन ऑलरेडी सीक एक्सेस टू एनक्रिप्टेड डेटा अंडर सेक्शन। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अगर ये रूल लागू नहीं भी होता है तो भी क्या है, जो 69A एक्ट है, IT एक्ट जो है, उसके अंतर्गत जो एनक्रिप्टेड डेटा है उसको देख सकती है या उसको किसी भी कंपनी से मांग सकती है। एंड रूल्स 17, रूल 17 एंड 13, और यहाँ पर रूल 17 और 13 की भी बात की, मतलब आपको इससे ये पता चल गया कि भाई कौन से एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट किसी भी कंपनी से उसका इनक्रिप्टेड डेटा मांग सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि IT एक्ट 69(3) और जो रूल 17 और 13 के अंतर्गत, कौन सा, 2009, जो 2009 में बने थे उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, सर्वेलाइंस। सर्वेलाइंस का मतलब होता है निगरानी करना। तो ये जो वर्ड मैं अंडरलाइन किया हूँ यहाँ पे, सर्वेलाइंस मतलब क्या होता है, निगरानी करना होता है किसी भी चीज़ की। रूल्स दैट रिक्वायर इंटरमीडियरीज टू असिस्ट, असिस्ट मतलब होता है किसी की मदद करना या फिर हेल्प करना, तो वो होता है असिस्ट। विथ डिक्रिप्शन व्हेन दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी टू डू सो एंड व्हेन लॉ एनफोर्समेंट हैज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। जबकि जो लॉ एनफोर्समेंट है इसका कोई अदर ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि इसको लागू करना पड़ेगा। बिसाइड्स इट कैन स्टिल सीक एनक्रिप्टेड डेटा, और जो गवर्नमेंट है वो अभी भी अगर उसको लागू करे या ना करे तो भी वो एक तरीके से जो डेटा है उसको अनइनक्रिप्टेड कर सकती है। तो जो अनइनक्रिप्टेड डेटा है उसको भी गवर्नमेंट किसी भी कंपनी से मांग सकती है। तो किसके अंतर्गत मांग सकती है? तो ये उसके यहाँ पे लिखे हुए जो उसके रूल हैं, ये इसके अंतर्गत वो गवर्नमेंट मांग सकती है। आगे देखते हैं,
अभी हम यहाँ पर देखते हैं मेटा डेटा एंड डिजिटल ट्रेल्स फ्रॉम इंटरमीडियरी सच एज वॉट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है मेटा डेटा। अब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है गाइस? मेटा डेटा का मतलब होता है जो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एक संक्षिप्त जो डेटा होता है, या कंसाइज कह सकते हो, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव जो डेटा होता है, मतलब आसान भाषा में इसको आप कहोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्या है? बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं हम मेटा डेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं सच एज वॉट, व्हाट्सएप, ये पूरा पूरा वर्ड यहाँ पे ये है व्हाट्सएप। आगे बढ़ते हैं तो देखिए व्हाट्सएप द ट्रबल विथ, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, तो क्या है ट्रबल मतलब डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कह सकते हो, ठीक है, या फिर कहें तो परेशानी कह सकते हो, ठीक है, क्या कहोगे, परेशानी भी हम इसे कह सकते हैं, ये है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रबल विथ एनफोर्सिंग, एनफोर्सिंग मतलब लागू करना, ट्रेसेबिलिटी इज दैट विदाउट सेफ गार्ड सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको मिल रहा है ओवरसाइट, तो ओवरसाइट का मतलब क्या होता है गाइस? ओवरसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर पुनर्विचार करना। क्या होता है? पुनर्विचार करना, किसी भी चीज़ पर दोबारा सोचना, ठीक है, तो होता है ओवरसाइट। Having independent or judicial oversight, government agencies could seek. Seek जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, seek का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? Seek मतलब होता है खोजना। Vocabulary यहाँ पर साइड में लिखते जा रहा हूँ मैं। Seek any user's identity and walk grounds and this could compromise the anonymity of whistleblower and journalistic source. अब यहाँ पर पूरे सेंटेंस का मतलब समझो आप लोग यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर थे विदाउट सेफ गार्ड सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, मतलब पूरा सेंटेंस देखो, द ट्रबल विथ एनफोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी इज दैट, मतलब जो ट्रेसेबिलिटी है इसको एनफोर्स करना, जो नया नियम है उसको लागू करना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है विदाउट सेफ गार्ड सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, तो बिना किसी सेफ गार्ड के, बिना किसी ऐसी चीज़ के, भाई बिल्कुल सेफ तरीके से इंफॉर्मेशन रहे, तो सच एज हैविंग इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, और किसके साथ साथ, एक इंडिपेंडेंट के साथ, इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक जुडिशियल, जुडिशियल मतलब कानूनी तरीके से, कानूनी तरीके से इस पर ओवरसाइट करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये ऐसा व्हाट्सएप ने कहा है। आगे लिखते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज कुड सीक एनी यूज़र आइडेंटिटी, तो जो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, लाइक हम बोलते हैं CBI है या बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो अगर ये जो एजेंसी है कुड सीक एनी यूज़र आइडेंटिटी ऑन बैकग्राउंड्स, मतलब तो जो एजेंसीज हैं वो बैकग्राउंड पर भी कोई भी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन को खोज सकती हैं, ढूंढ सकती हैं, एंड दिस कुड कंप्रोमाइज द एनोनिमिटी ऑफ विस्टल ब्लोअर एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेज। तो इससे क्या होगा कि ये जो बैग, एक वर्ड है इसको मैं बता देता हूँ, पहले समझ लो पूरा पूरा मीनिंग, यहाँ पर मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। ये जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो बैग, इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ अस्पष्ट, कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं है, तो इसको कह सकते हो नॉट क्लियर। मतलब इन्होंने ये कहा है कि भाई जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो तो बिना इस रूल को एनफोर्स किए भी इस जो डिटेल है वो पता कर सकती हैं, ढूंढ सकती हैं, और इससे क्या होगा किसी की आइडेंटिटी भी पब्लिक के सामने नहीं आएगी और पता नहीं चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तो, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं वो तो पता कर सकती हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। तो देखिए कुड कॉम्प्रोमाइज द एनोनिमिटी, अब एक वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो एनोनिमिटी का मतलब क्या है, तो वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो बहुत ही अच्छा वर्ड है एनोनिमिटी, मतलब किसी व्यक्ति का नाम बताए बिना अगर कोई भी एक्शन लेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एनोनिमिटी, दिस इज कॉल्ड एनोनिमिटी, मतलब बिना नाम के, किसी का कोई नाम नहीं है तो उसे बोलते हैं एनोनिमस, ठीक है, बिना नाम के, ठीक है, तो वो होता है क्या, एनोनिमिटी एक नाउन फॉर्म है। और विस्टल ब्लोअर, अब आप यहाँ पे एक फ्रेज देख रहे हो विस्टल ब्लोअर, तो विस्टल ब्लोअर्स का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, जैसे हम कह सकते हैं सपोज दैट कि आप भीड़ में खड़े हो और किसी ने जो है कोई फायरिंग कर दी और बाद में आपको पता ही नहीं चला कि हु वॉज दैट, तो आप क्या बोलोगे, हु वॉज द विस्टल ब्लोअर, मतलब कौन व्यक्ति था जिसने फायरिंग की, तो विस्टल ब्लोअर मतलब एक्शन करने वाला व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, ठीक है। एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेज,
हु कैन क्लेम टू बी एक्टिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती हैं और वो पता भी कर सकती हैं, ठीक है। और मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हुए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इन क्रिमिनल्स का भी पता कर सकती हैं, और जो एक तरीके से अनइनक्रिप्टेड डेटा है वो भी गवर्नमेंट को 69(3) जो रूल है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उस डेटा को भी रिसीव कर सकती है, ठीक है। तो मतलब इस रूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे देखते हैं, व्हाट्सएप कंटेंशन दैट, मतलब व्हाट्सएप का जो तर्क है वो क्या है, रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप्स टू ट्रैस, मतलब जो रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप्स टू ट्रैस, तो चैट्स, आगे बढ़ते हैं, देखिए, चैट्स इज द इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग टू कीप फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट। मतलब व्हाट्सएप सीधी सीधी बात बोल रहा है कि भाई ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि आप व्हाट्सएप से पूरी डिटेल मांगोगे, अगर आप व्हाट्सएप से पूरी डिटेल मांगोगे तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हर एक मैसेज का फिंगरप्रिंट हम गवर्नमेंट के सामने पेश कर दें, ठीक है। तो ये कुछ उस प्रकार से हो जाएगा, तो ये व्हाट्सएप का सीधा सीधा सा कहना है। सेंट एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस, और ये एक तरीके से कैसा है, ये फंडामेंटली अंडरमाइंस है। अंडरमाइन जो वर्ड इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। तो जो पब्लिक की जो प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी को इस रूल में जो एनफोर्समेंट कर रही गवर्नमेंट तो इसको बिल्कुल अंडरमाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो अंडरमाइन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसका मीनिंग, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करना। क्या होता है गाइज, नज़रअंदाज करना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है, व्हाट्सएप ये ब्लेम कर रहा है कि भाई गवर्नमेंट जो नया एनफोर्समेंट लागू कर रही है, जो नया रूल लागू कर रही है, वो एक तरीके से पब्लिक की जो प्राइवेसी है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप इससे परेशान है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। देखो अंडरमाइन इधर ही कर देता हूँ, ठीक। अंडरमाइन मतलब क्या होता है, नज़र अंदाज करना, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करना, मतलब आप जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, रिक्वायरिंग मैसेज साइन मैसेजिंग apps to trace chats is equivalent to asking us to keep fingerprint of every single message sent and fundamentally undermines right to privacy is therefore not hyperbole। मतलब इस वजह से ये एक तरीके से hyperbole नहीं होगा। hyperbole का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई थिंक ये 15 नंबर का पॉइंट था और यहाँ पर मैं 16 नंबर का वोकैब आपको बता रहा हूँ, hyperbole। तो hyperbole वर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो गाइस, हाइपरबोल जो वर्ड है, हाइपरबोल का मतलब होता है एक तरीके से अतिशयोक्ति, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको बोलना, ठीक है। तो अतिशयोक्ति, तो ये आपको पता होना चाहिए, अतिशयोक्ति करना मतलब एक तरीके से बढ़ा चढ़ा कर किसी भी चीज़ को बोलना, तो वो होता है अतिशयोक्ति। या फिर कहें तो हाइपरबोल मतलब बड़ी बड़ी बातें करना, वो होता है हाइपरबोल, ठीक है। जैसे अगर कोई बोलता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वो हो जाएगा हाइपरबोल। तो आगे इसने व्हाट्सएप ने क्या बोला है कि अगर हम ये हर एक मैसेज की डिटेल गवर्नमेंट को देंगे तो ये एक तरीके से जो लोगों की जो प्राइवेसी है उसका हनन है, ठीक है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना है एक तरीके से। तो इस देयर फॉर नॉट हाइपरबोल, तो इसलिए इसको हम हाइपरबोल नहीं कहेंगे, अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, जबकि ये रियलिटी है। इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स टू रीविजिट, मतलब इसने ये भी कहा है अगर गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को रीविजिट करना चाहती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रीविजिट का मतलब होता है किसी भी दूसरी चीज, किसी भी जगह पे दोबारा जाना, मतलब आपके पास कोई डिटेल है अगर आप उसे दोबारा देखना चाहते हो तो आप उसे रीविजिट कर रहे हो, मतलब आप दोबारा जा रहे हो उसके पास, ठीक है। तो फिर से आना भी कह सकते हो आप इसको, हिंदी मीनिंग क्या कहोगे, इसको कहोगे आप फिर से आना। तो गवर्नमेंट इसको रीविजिट भी कर सकती है, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला है। रीविजिट इट्स पोजीशन ऑन ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट्स ऑफ इंटरमीडियरीज एंड इंस्टीड रिवाइज द आईटी एक्ट 2000। आगे देखते हैं, इन लाइन विथ एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस बिसाइड्स लेजिस्लेटिंग द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन बिल। मतलब क्या हुआ, इसने ये कहा है व्हाट्सएप ने कि भाई इफ़ एनीथिंग द गवर्नमेंट नीड्स, अगर गवर्नमेंट को किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, टू रिविजिट इट्स पोजिशन ऑन ट्रेसेबिलिटी, मतलब जो ट्रेसेबिलिटी है उसको रिविजिट करने की अगर सरकार को ज़रूरत पड़ती है, कमिटमेंट्स ऑफ
intermediaries and instead revise IT Act 2000 in line with existing global, मतलब इन्होंने गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, जो 2000 आईटी एक्ट है उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर रही है, ठीक है, उसको उसकी बात हुई यहाँ पे, इसको रिवाइज कर रही, मतलब कुछ परिवर्तन कर रही है इसमें, इन लाइन विथ एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, किसके होते हुए, तो एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के होते हुए गवर्नमेंट जो है आईटी एक्ट 2000 है उसको एक तरीके से रिवाइज करने पे तुली हुई है, उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रही है। बिसाइड लेजिस्लेटिंग द लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन बिल, मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएप ये कह रहा कि भाई जो 2000 बिल है उसमें सारी की सारी चीज़ें दी गई हैं और उसी के आधार पर जो ग्लोबल लेवल पर चीज़ें हो रही हैं उसी को बेस बनाकर आप भी काम कर सकते हो, जबकि आप व्हाट्सएप जो करंट नियम है अगर वो लागू हो जाएगा तो सही होगा कि व्हाट्सएप को लॉन्ग टर्म तक डेटा संभाल कर रखना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि व्हाट्सएप लॉन्ग टर्म तक डेटा नहीं रखता है, कुछ लिमिटेड टाइम तक आपका डेटा व्हाट्सएप के पास सेव होता है, बाद में उसे व्हाट्सएप डिलीट अपने आप बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाता है। बट अगर ये जो नया नियम लागू होता है तो उससे क्या होगा कि व्हाट्सएप को लॉन्ग टर्म तक आपकी डिटेल रखनी पड़ेगी, और अगर मान लो कभी कोई क्राइम होता है तो व्हाट्सएप क्या करेगा, मतलब गवर्नमेंट ये करेगी व्हाट्सएप से किसी भी व्यक्ति का डेटा मांग लेगी तो व्हाट्सएप को देना पड़ेगा। अभी क्या होता है व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसका कहना है भाई हम लिमिटेड टाइम तक डेटा संभाल कर रख सकते हैं और उसके बाद में अपने आप डेटा डिलीट हो जाता है। तो कुल मिलाकर पूरा झगड़ा इसी बात पर है गवर्नमेंट का और व्हाट्सएप का कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हमें सब कुछ पता रहे कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन कर रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का नम्रता कुशवाहा है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है जेल, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को जेल हो जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, गॉट इट, ये होता है। तो किसी को भी कैद कर देना, जेल में बंद कर देना, वो होता है इम्प्रिजनमेंट। अब फटाफट पूछ लो अगर आपको आज के सेशन से कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो इससे रिलेटेड तो फटाफट पूछिए, फिर हम आज के सेशन ओवर करते हैं। और जैसा कि आपको पता है हमने यूट्यूब चैनल का